चलो मथुर जी। अरे 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 क्या बात है, क्या बात है यार। ये देखिए गाड़ी के बाहर दिख रहा है भाई। तो 15 दिन जो है कि मेरे ब्लॉग जो है वो नहीं आएंगे। फिलहाल जो है कि दोस्तों सब गाय का मिल्किंग हो गया है, और मैं आपको बता दूं आज जो है कि पूरी गाय का मिल्किंग जो है कि तुम्हारे भाई ने किया है, पूरी गाय का। हेलो दोस्तों, कैसे हो हम सब? आई होप आप सब मौज में होकर, मैं एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल जो है कि आज का सीन कुछ ये हो गया कि सुबह सुबह जो है कि सुरेश भाई की और मेरी थोड़ी जो है कि लड़ाई होगी। तो भाई जो है कि एक भी गाय का मिल्किंग नहीं किया, हरी भाई को भी मना कर दिया, बोले तू भी मिल्किंग मत कर, और भाई सीधा चला गया पत्ती भरने के लिए। वो देखो ट्रैक्टर जो है कि पत्ती भर के आ गया है। पूरी गाय की मिल्किंग मुझे अकेले करनी पड़ी, मैं कम थोड़ी ना हूँ। हालांकि 10-20 गाय की मिल्किंग करनी है, लेकिन अपना स्टेमिना है 25 गाय का मिल्किंग करने का, 25 से 30 आराम से कर देंगे। गिर जर्सी है तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जर्सी दूध ज़्यादा देती है, अपनी गिर थोड़ा कम देती है। तो इजीली 20-25 गाय का मिल्किंग जो है कि हम आसानी से कर सकते। फिलहाल जो है कि ये पत्ती भर के आ गए हैं। तो देखो कैसे कर रहा है, तेरे को तो मैं बताता। फाइनल जो है कि अपनी ब्लैक गाय जो है कि वो है आज हीट पे। भाई बहुत बार ब्रीडिंग करो, बार बार हीट पे आ रही है, थक गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जो है कि अपने ब्लैक गिर की ब्रीडिंग जो है कि अपने लिलिया से करवाएंगे। भाई अगर लिलिया ने ब्लैक गिर की ब्रीडिंग कर दी ना भाई, बस ख़त्म भाई। लिलिया, अरे भाई समझा कर यार, तू यार समझता ही नहीं है मेरी बात यार। अगर बहुत कमजोर पीस है भाई, चल आजा। अगर गाय मार रही उसको, हरी तक टिकट पास, चल इसको इसको बड़े के अंदर भेज दे। हट टक, चलो हरी। तूने कभी ब्लैक गियर देखी क्या? ब्लैक गियर देखी है ना, ये वाली ब्लैक गियर। तो ब्लैक गियर देखा मेरे को अभी पता चला है। अभी पता चला? हाँ, वाड़ा के अकेली पड़ती ना तो ही मेरे को दिखती, नहीं तो जून में रहती तो नहीं दिखती है। गाय का फिर एक प्रॉब्लम ये होता है, अगर छोटा बूल होता है ना भाई, तो गाय जो है कि उसको मारती है। लिलिया जो है कि वहाँ पे जाता है तो अपनी ब्लैक गिर जो है कि तुरंत उसको मारती है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो छोटा बूल होता है तो फिर गाय मारती है उसको। आगे लेके फटाफट से खाली कर दो भाई। सुबह सुबह मेरे को, मैं बोल रहा था पत्ती भरने के लिए मैं आ रहा हूँ, बोले अभी पूरी गाय की मिल्किंग तू कर। कर दी मैंने पूरी गाय की मिल्किंग, पूरे गाय की मिल्किंग कर दी, सिर्फ एक गाय बाकी, वो भी कौन सी? गौरी बावल की कर ली। थोड़ी देर खाने देते हैं उसको, तो जो है कि भाई वो खाने में पड़ा है। रिपे ट्रैक्टर बाहर निकाल ले, रिपे मैं गेट लगा देता हूँ, इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि अपनी ब्लैक गिर जो है उस वाले बुल को मारती है, तो इसकी वजह से हमने उसको बांध के रखा। दोनों को छोड़ दिया है, अभी ये तो यहाँ पे पत्ती खा रहा है। अब जो है कि दोस्तों यहाँ पे जो है कि नेट लगा देना है, जो दूध वाली गाय है इनको भी छोड़ेंगे लेकिन 5-10 मिनट बाद। और आज जो है कि मथुर को बांध के रखेंगे, छोड़ दे। ओ एक उधर जा रही, घावड़े हैक, चल अंदर अंदर, चल अंदर भाग, इसके बच्चे के पास जा रही है। तो फिलहाल जो है कि दोस्तों अपनी ये वाली जो है कि गाय अभी बच्चा देने वाली है, लास्ट लगभग मेरे ख्याल से ये एक ही गाय है, इसके बाद है लेकिन उसको टाइम है। तो अभी लगभग ये 8-15 दिन के अंदर जो है कि, 8 दिन तो नहीं लेंगी मुझे लग रहा है, 8 दिन में जो है कि आराम से ये वाली जो है कि बच्चा दे देंगी। दोस्तों गेट बंद है तो इसकी वजह से यहाँ पे रुक गए, रुक चला जाओ, आ जाओ अंदर को। अभी जो है कि दोस्तों हमारी ब्लैक गिर जो है वो हिट पे आई है, और मथुर को जो है कि यहाँ पे बांध के रखा है। मैं आपको बता दूँ आज जो है कि पहली बार जो है कि मेरा मथुर के ऊपर से मन उठ गया है, वो इसलिए क्योंकि भाई
आज मथुर लाने के बाद जो है ना लगभग पूरे झुंड में लगभग 2 गाय की ब्रीडिंग हुई है। उसके अलावा जितने भी गाय की ब्रीडिंग करवाई मथुर से वो गाय जो है कि रिपीट हो रही है। मैं आपको बता दूं, भावर की ब्रीडिंग हम एक बार एच एफ बुल से करवा के लाए, फिर वहाँ से आने के बाद इससे ब्रीडिंग करवाई, वो भी रिपीट हुई है। गोटिया से जितनी गाय ब्रीडिंग करवाई वो गाय हीट पे नहीं आ रही है, लेकिन जितनी गाय मथुर से ब्रीडिंग करवा रहे हैं वो गाय हीट पे आ रही है। अभी फाइनली मेरा और सुरेश भाई का ये प्लान हो गया, सुरेश भाई सामने खड़ा है उसका और मेरा ये प्लान हो गया कि मथुर जो है उसको जाके आज वापिस छोड़ के आएंगे। वो आज छोड़ेंगे या कल छोड़ेंगे, 2 दिन में मथुर जो है उसको वापिस जाके हम छोड़ देंगे, क्योंकि खा खा के हट्टा कट्टा हो गया है और जितनी भी गाय की ब्रीडिंग हो रही है वो रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो भाई अभी ये नहीं चलेगा, तो मथुर जो है उसको वापस जाके छोड़ देंगे, लिलिया जो है उसको रखेंगे और गोटिया जो है उसको लेके आएंगे। लिलिया को अभी पशु आहार वगैरह सब चालू है, गौरी को जो है कि दोस्तों डॉक्टर ला के वो वाला अगले वाला आंचल जो है उसको दवाई वगैरह की, लेकिन फिर भी वो चालू नहीं हुआ। अगले वाला जो ये साइड का आंचल है वो दोस्तों अभी बंद है, 2 बार डॉक्टर लाए लेकिन वो चालू नहीं हुआ है। अभी जो है कि सुरेश भाई को मैंने बोल दिया है, तो सुरेश भाई बोले एक काम करते हैं, शाम को जो है कि आज पोपट मामा की गाड़ी बुला लेंगे और अपना मथुर जो है उसको वापस जाके छोड़ देंगे। 5-6 बार अगर गाय रिपीट हुई तो गाय जो है भाई फिर बाद में वो गाय कुछ काम की नहीं रहेंगे, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में जो है कि उसको बुल चेंज भी करोगे फिर भी जो है कि वो बार बार हीट पे आते जाएंगे। तो गाय खराब होने से अच्छा है कि भाई बुल ही हम बदल दें। कॉल कर दिया है तो बोले ठीक है भाई आके छोड़ दो, तो अभी पोपट मामा को कॉल करते हैं और अपना मथुर जो है उसको छोड़ के आते हैं। तो दोस्तों अभी जो है कि डोरी लेके आ गया हूँ, ये साइड जो है कि पूरा जो हमने यहाँ पे जो है कि पूरा सी डाला था लेकिन वो पूरा निकल गया वो साइड वहाँ तक, तो ये पूरा ठीक कर देते हैं, फिर जो है कि बिना दूध की गाय जो है उनको छोड़ देंगे। उसका माथा देखो, कान देखो, लंबाई देखो, पूंछ देखो, गड़ कंबल देखो, उसकी आँखें देखो, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि भाई गाय जो है बार बार रिपीट हो रही है और बार बार रिपीट होना गाय के लिए अच्छा नहीं है। ये जो है कि दोस्तों डोरी जो है ना पूरी टूट गई थी और ये नेट भी बहुत कमज़ोर है दोस्तों, तो अभी जो है कि अभी नई नेट भी थोड़ी बहुत लेके आए, अब जहाँ जहाँ फटेगा वहाँ पे वो थोड़े अच्छे वाली नेट डालेंगे, वो नहीं फटती है लेकिन ये तुरंत ही फट जाती है। डोरी भी एकदम कमज़ोर थी, ये वाली डोरी भी नहीं टूटेंगी अभी। फिर से जो है कि दोस्तों पूरा निकल गया था, पूरा का पूरा जो है कि ठीक कर दिया है, अभी कोई टेंशन नहीं है। कान मत खाओ उसके, चल चलो। अब महेश भाई जो है कि वाड़ा के अंदर भूसा डाल के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको छोड़ देंगे। यहाँ भी थोड़ा ठीक करना है क्योंकि कल जो है कि यहाँ से एक छोटी बच्ची घुस गई अंदर जाके पूरा दूध पी गई, यहाँ से घुस गई या यहाँ से घुस गई, कहीं से तो भी घुस गई थी। और ये देखो महेश भाई को मैंने मना किया था फिर भी जो है कि मथुर को छोड़ दिया, वो देखो। इस बार ब्रीडिंग नहीं करवानी थी लेकिन फिर भी छोड़ दी है। अब मथुर जो है कि बांधने देंगे नहीं क्योंकि मथुर मारता है, आप सबको पता है, उस दिन सुरेश भाई को उठा लिया था। लिलिया पता नहीं कहाँ पे गया। मोर को आज कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि मोर आज जो है कि बैठ गए हैं, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है मोर? दोस्तों कांप रही है शायद। ये साइड का अगले वाला पैर आगे करके बैठ रही है भाई, ऐसा पैर आगे रख के बैठने वाली गाय बहुत कम होती है, मैंने पहली बार देखा। मुरली जो है उसने अगला पैर जो है कि आगे करके बैठी थी, पसंद आया मुझे। अपनी काबरी जो है कि अब ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, 100% जो है कि 8 दिन के अंदर बच्चा दे देंगे दोस्तों फाइनल, और ये भी दे देंगी, और यहाँ पे है ये भी, ये जो है कि मामा की गाय है दोस्तों, तो ये भी जो है कि अभी फिलहाल हमने रख ली, बाकी जो है कि सब नेट जो है कि ओके कर दिया है। अभी फिलहाल जो है कि यहाँ पे नेट लगाना है तो फटाफट से इतना नेट लगा देते हैं ताकि काम खत्म हो जाए। अभी यहाँ से बछड़ी है जो बार बार बाहर निकल जाती है, नेट जो है कि उस दिन हम लेके आ गए थे मोटा वाला, नीचे उतरना है, नीचे बैठ। खटिया के ऊपर पहले तो खटिया से छलांग मार देता था लेकिन अभी जो है कि नीचे उतरने के लिए बहुत शोर करता है, नीचे उतारा कभी किधर भी भागता है, गाय के नीचे घुस जाता है। तो बैठ दोस्तों, अभी जो है कि नहा धो के हो गए हैं रेडी, खाना पीना सब हो गया है, अभी जो है कि इतना फटाफट से जो है कि लगा देते हैं। मोर को कुछ प्रॉब्लम है भाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये देखो आज कुछ खाया नहीं है। मोर क्या हो गया तेरे को? अभी तक जो है कि इसकी ब्रीडिंग नहीं हुई है,
और ब्रीडिंग होने भी नहीं देनी है। एक डेढ़ घंटे दो घंटे में जाके भाई मथुर को मामा कॉल कर दिया है मैंने। मामा बोले बस मैं अभी चारा वगैरह करके आता हूँ, फिर जाके छोड़ देंगे। एक डेढ़ घंटे में फाइनली जो है कि भाई हमारा मथुर जा रहा है। चलो अभी जो है कि ये वाला जो नेट है यहाँ पे लगा देंगे ताकि टेंशन ख़त्म। मोर गए जो पानी पीने के लिए गए मोर। स्वयं जा रहे हैं ए स्वयं स्वयं पीछा पीछे। अरे गाय लात मार देंगी। जा घर पे, जा घर पे चल। गिरे जा गिरे, घर पे जा स्वयं। हंस रहा है, उसे घर पे जाने को बोल रहा हो तो हंस रहा है ऊपर से। काटना में से बहुत टाइम पास कर रहा है यार तू। ये नेट जो है ना दोस्तों एक नंबर है, क्योंकि ये बहुत मोटी है और इस बार जो है कि हम सीधी 6 फीट लेके आ गए। ये देखिए, और पिछली बार जो लाए थे ना वो 5 फीट भी नहीं थी और ये देखो 6 फीट है। नीचे भी बहुत सारी है और ये जल्दी फटती भी नहीं है। चलो अभी नीचे इतना लगाने का रहे, फटाफट से लगा देते हैं। ऐसे वो साइड से दोरी देना यार। ये नेट जो है ना दोस्तों एकदम बकवास नेट आ गई है। यहाँ भी फाड़ दिया, यहाँ भी ठीक करना है, लेकिन ये साइड तो इतना कुछ ज़रूरत है नहीं। बाकी जो है कि पूरी गाय बैठ गई है, आज इतना धूप है नहीं इसका भरोसा नहीं कर सकते। उस दिन देखा आपने सुरेश भाई को उठा लिया था। आज भी जो है कि हल्के हल्के बादल है तो इतना धूप है नहीं। अभी पोपट मामा आ गए हैं तो अभी सुरेश भाई को भी टाइम मिलेगा, एक दिन मामा को भी बुला लेंगे और यहाँ पर जो है कि सेट बना देंगे। आज तो जो है कि भाई हमें मथुर छोड़ने जाना है तो आज तो कुछ टाइम मिलने वाला है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कल तो काम स्टार्ट कर ही देंगे, क्योंकि देखो लकड़ी वगैरह सब ला के रख दिया है लेकिन काम ही स्टार्ट नहीं हो रहा। चलो अभी जो है कि चारों ओर से फिर से नेट जो है उसे ठीक कर दे, वो साइड भी कर दिया, वहाँ भी नया डाल दिया। अभी वहाँ पे थोड़ा डालना है तो देखेंगे उतनी कुछ ज़रूरत है नहीं। ये भी जो है कि एकदम फिट कर दिया है। और फाइनली दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज है कम्प्लीट 6 तारीख। मैं कल 7 तारीख को जो है कि निकलने वाला हूँ गुजरात के लिए। 15 दिन के लिए मैं गुजरात जा रहा हूँ, तो 15 दिन जो है कि मेरे ब्लॉग जो है वो नहीं आएंगे। नए ब्लॉग जो है वो थोड़ा लेट आएंगे। ऑलरेडी जो है कि मैंने कुछ ब्लॉग शूट करके रखे हैं वही आएंगे, क्योंकि कल जो है कि 7 तारीख को मुझे निकलना है गुजरात के लिए। 15-20 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ द्वारका, जो कि यहाँ से मैं पहले जाने वाला हूँ अहमदाबाद। अहमदाबाद से फिर जाने वाला हूँ तारापुर। तारापुर से मैं चलने वाला हूँ द्वारका तक पैदल, और पैदल जो चल के जाना है वो मिनिमम मेरे ख्याल से 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर जो है कि मुझे पैदल चल के जाना है। तो अभी 15-20 दिन में कंटिन्यू चलने वाला हूँ। ब्लॉग शूट करने के लिए चलो टाइम मिल जाएगा, लेकिन एडिटिंग के लिए कुछ टाइम मिलने वाला है नहीं। ऑलरेडी जो है कि दोस्तों वहाँ जाने के बाद मुझे उतना पैदल चलना है। द्वारका तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और गाड़ी से नहीं जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, जो कि यहाँ से मैं अहमदाबाद तक तो जो है कि गाड़ी से जाऊँगा। अहमदाबाद से तारापुर आऊँगा, तारापुर से मुझे पैदल चलना है कम्प्लीट 600 किलोमीटर के आजू बाजू है शायद। 600 किलोमीटर मुझे पैदल चलना है और मैं फर्स्ट टाइम इतना चलने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अभी देखते हैं वहाँ जाने के बाद एडिटिंग के लिए टाइम मिलता है यानी। लेकिन तब तक जो है कि पिछले ब्लॉग आ जाएंगे। पिछले ब्लॉग लगभग मेरे ख्याल से 4-5 ब्लॉग जो है कि ऑलरेडी मैंने शूट करके रखे हैं, वो ब्लॉग आते रहेंगे सब। एकदम जबरदस्त ब्लॉग मैंने शूट किया है, तो 4-5 ब्लॉग वो तो आ जाएंगे फाइनली। मैं आपको दिखूंगा गुजरात। तो भाई आप तो यहाँ पे हो तो ब्लॉग तो महाराष्ट्र के आ रहे हैं, तो वो जो है कि इस बार मैंने ब्लॉग एक्स्ट्रा करके रखे हैं। आज है 6 तारीख, मैं कल सुबह 7 तारीख को यहाँ से निकलने वाला हूँ। लगभग मेरे ख्याल से मैं कल सुबह 12-1 बजे अहमदाबाद में रहूँगा, फिर 3-4 बजे तारापुर में रहूँगा। 8 तारीख को या 9 तारीख को जो है कि तारापुर से मैं शाम को 8 बजे चलने वाला हूँ, तारापुर से सीधा द्वारका, क्योंकि पैदल जाना है हमें। तो आगे का जो है कि भाई हम आपको आगे बताएंगे। अभी 20-25 दिन के लिए जा रहा हूँ। अगर आप ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड है तो आप जो है कि इस ब्लॉग के नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं वो वाले जो ब्लॉग है उसे शूट करूँगा। तो फिर क्या होता है कि मैं दिखूंगा गुजरात में और आप बोलेंगे यार जगदीश भाई व्लॉग तो महाराष्ट्र के आ रहे हो और आप तो यहाँ पे हो। तो मैंने बोला मैं आपको बता दूँ, ऑलरेडी मैंने एक्स्ट्रा व्लॉग जो है वो शूट करके रखे हैं, तो वो धीमे धीमे आते रहेंगे। मैं जो है कि 7 तारीख को जा रहा हूँ गुजरात, आज है 6 तारीख। चलो तो अभी जो है कि फटाफट से यहाँ का पूरा काम जो है वो निपटाते हैं और मथुर जो है उसे भी छोड़ने जाना है। ट्रिप जो है कि दोस्तों इतना ही टुकड़ा बचा है, तो फाइनली जो है कि ये पूरा काम हो गया है फिट। छांव का भी बहुत जल्दी कर देंगे।
ये ब्लॉग जो है कि लेट आएंगे दोस्तों। अभी ये ब्लॉग जो मैं शूट कर रहा हूँ ये बहुत लेट आएगा। ये ब्लॉग जो है कि मैंने बहुत पहले ही शूट करके रखा है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये ब्लॉग लगभग मेरे ख्याल से 6 तारीख को आएगा और 6 तारीख को अभी बहुत टाइम है, मैंने पहले बताया मुझे जाना है गुजरात, तो इस वजह से एक्स्ट्रा मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो अभी मुझे ब्लॉग शूट करने हैं एक्स्ट्रा और भी, 6 तारीख को ये ब्लॉग आएगा। फिर बाद में जो है कि दूसरे भी ब्लॉग बहुत सारे आने वाले हैं क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा शूट करके रखने पड़ेंगे। यूट्यूब पे तो थोड़ी लेट अपडेट आएंगे क्योंकि यूट्यूब पे मेरा व्लॉग भी लेट आएगा और अपडेट भी लेट आएंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो है कि भाई तुरंत ही अपडेट आ जाएंगे। तो आप जो है कि जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मैं डेली जो है कि स्टोरी लगाऊंगा कि भाई आज कहाँ पे हूँ मैं, आज कहाँ पे पहुंचा हूँ मैं। तो आप जो है कि मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी जगदीश जोगराना 81-82। इसमें जो है कि अभी लगभग मेरे ख्याल से आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ उस दिन जो है कि 485,000 जो है कि फॉलोअर हो गए हैं लगभग। मेरे ख्याल से तब तक तो जो है कि 5 लाख के आजू बाजू मेरे जो फॉलोअर है वो हो गए क्योंकि अभी तक 6 तारीख को बहुत टाइम है। तो आप जाके फटाफट से जो है कि मुझे फॉलो कर लीजिए। 4 लाख प्लस जो है वही आईडी मेरी वाली है, उसके अंदर जो है कि मैं डेली अपडेट देने वाला हूँ, आज कहाँ पे हूँ, कल कहाँ पे रहूंगा, वो पूरा डेली अपडेट आएगा। यूट्यूब के अंदर थोड़ा लेट आएगा 2-4 दिन, लेकिन इंस्टाग्राम के अंदर डेली अपडेट आएगा आज मैं कहाँ पे हूँ। तो आप जो है कि फटाफट से हमें इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर लेना, आप जाके इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिए। कल सुबह 7 बजे से आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाएंगे भाई और वीडियो भी मिल जाएंगे इंस्टाग्राम के अंदर। बहुत सारे दोस्तों की कमेंट होती है कि जगदीश भाई हमें आपसे मिलना है, तो जितने भी रास्ते में गांव आएंगे आजू बाजू जो भी है सबको मिलते जाएंगे। फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। चलो जो है कि दोस्तों फिलहाल पोपट मामा आ गए हैं और अपना मथुर जो है वो फाइनली जा रहा है। मथुर जो है कि अभी उधर है तो उधर से भरना पड़ेगा। चलो मथुर, चलो महेश भाई मथुर को लेके आओ, चलो इधर। हाँ मथुर को लेके आओ, चलो कहाँ पे? ओ अपना गड्ढा जहाँ पे चढ़ाया था वहीं पे चढ़ाएंगे। नहीं नहीं वहाँ पे गड्ढा को कहाँ चढ़ाया था? रुक रुक मेरे को नीचे उतरने दे। जहाँ पे गड्ढा को चढ़ाया था वहीं पे जो है कि मथुर को चढ़ा के भेज देंगे। चलो मोर तेरे को भी जाना है। महेश भाई लाठी यार इतनी इतनी लेके आ गए हो, मथुर जब लेके आए तब दुबला था, अभी हट्टा कट्टा है, वो गाड़ी में चढ़ता है या नहीं अभी क्या पता।